आपके वाइफ जो है गवर्नमेंट नर्स है और आज आपके बच्चे को लेकर पुलिस ने जन्मदिन मनाया, कैसा लग रहा है लॉकडाउन के दौरान? हमको दिल से बहुत आभारी हैं पुलिस स्टाफ के और मीडिया के और जितने भी सोल्जर्स कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं उनको हमारा हाथ जोड़ के धन्यवाद है, क्योंकि ये लोग इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग सेफ बचे हैं घर में। तो हम लोग आपके मीडिया के और पुलिस स्टाफ के और एडमिनिस्ट्रेशन के सबके बहुत बहुत आभारी हैं। चेक, स्पेशल गिफ्ट देवास पुलिस द्वारा दिया गया, बच्चे को केक कटवाया गया, कैसा लगा आपको? जी, ये बहुत ही स्पेशल है और बहुत अच्छा इन्वेंशन है, इसके लिए हार्दिक हम लोग धन्यवाद करते हैं एसपी मैडम का और पूरे पुलिस विभाग का। क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? मैसेज हमारा पब्लिक को यही रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करें, लॉकडाउन का पूरा फॉलो करें, अधिकारी और मीडिया जो भी निर्देश देता है उसका पूरा पालन करें और कोरोना से फाइट करने में उनको हेल्प करें। आपका नाम? विपिन मिश्रा। सर, एक जो है खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि पुलिस ने जो है जन्मदिन मनाया है किसी का, किसका जन्मदिन मनाने जो है पुलिस टीम पहुंची थी और क्या है सर पूरा जो है मामला है, किस तरह से किससे जुड़ा? हमारे यहाँ जो महात्मा गांधी सिविल हॉस्पिटल है उसमें एक नर्स हैं तिवारी मैडम, उनके एक 7 साल के बच्चे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के अवसर पे चूँकि वो लगातार ड्यूटी पे थी, शाम को पहुंची तो उस समय एसपी मैम ने ये बात हमको बताई कि ऐसी ऐसी बात है। उस पर हम 4 DSP और 5 थानों के TI और हमारी 6-7 गाड़ियाँ लेकर हम उस बच्चे के जन्मदिन को विश करने के लिए पहुँचे थे और उनके घर के बाहर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उस बच्चे का बर्थडे मनाया, केक भी उसको दिया और उससे उस बच्चे को और उस परिवार को और उस मोहल्ले को सभी को पुलिस का साथ देखकर काफ़ी खुशी हुई और काफ़ी उन लोगों ने अप्रिशिएट किया और हमको भी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य नगर निगम और पुलिस का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ एक जुटता परिवार की तरह लगा और हमको भी बेहद खुशी हुई। हमने उस बच्चे को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। क्या मानते हैं सर, पुलिस है या फील्ड में सफाई कर्मी है या हम अगर बात कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, अभी सब योद्धा साबित हो रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की ये जो पहल है उसके बाद क्या चेहरे पे चमक आई और घर वालों ने क्या कुछ आप बहुत ही उसके परिवार के मदर और फादर और उसके बच्चे और उस पूरे मोहल्ले ने उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया और हमारा भी उनसे जो लाइजनिंग का जो एक रेशो है स्वास्थ्य से और नगर निगम से और इससे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लोग रात दिन हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और जनता के बीच में ही आना जाना पड़ रहा है, जनता के बीच में ही काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सब हाई रिस्क जोन में भी हैं और देवास वैसे भी रेड जोन में चल रहा है, ऐसी स्थिति में ये तोहफा उस बच्चे के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी प्रसन्नदायक, उस परिवार के लिए काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उस परिवार।